दून विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा का एक ऐसा गौरवशाली संस्थान राज्यवासियों को जिस पर बेहद गौरव है। शिवालिक श्रेणियों की तलहटियों में स्थापित दून विश्वविद्यालय अपने विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर बहु विषयक शैक्षणिक कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला के साथ निरंतर अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करना, अनुसंधान को उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा खेल प्रतिभाओं के वैयक्तिक कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों को सुदृढ़ करना विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में है। शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एकात्मक और आवासीय विश्वविद्यालय अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, शानदार वास्तुकला और खुशनुमा वातावरण के साथ यह एक सुंदर परिसर है। विश्वविद्यालय ने 6 अगस्त 2009 को अपना पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया। 2,800 छात्र छात्राओं वाले इस परिसर में लगभग 60 से अधिक प्राध्यापकों तथा प्राध्यापिकाओं के कुशल नेतृत्व में 8 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच एवं अंग्रेजी विषयों का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अधीन पर्यावरण विज्ञान जैसा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी तरह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस जिसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कैंपस बहुत खूबसूरत है और इस कैंपस की जो वाइब्रेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही सकारात्मक माहौल है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी को मोटिवेटेड रखूं कि वो कैंपस के लिए कुछ करें। और बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करते थे, उनको रोकना एक चुनौती थी इस संस्थान के लिए और हम उसमें सफल हो पाए। उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे कोर्स इस सेशन में शुरू किए, जैसे बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल साइंस, हमने बीए ऑनर साइकोलॉजी खोला, हमने इस सत्र से उत्तराखंड लैंग्वेजेस फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर करके अपना एक सेंटर खोला है, उसमें हमने एमए थिएटर खोला है और बहुत एंथुजियास्टिकली बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया है। हमारे पास डॉक्टर नित्यानंद जो एक बहुत ही बड़े सामाजिक योद्धा रहे, उनके नाम पे राज्य सरकार ने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं स्टडी सेंटर हमको दिया है। और जो सरकार चाहती है कि डिजास्टर से लेकर हिमालय ग्लेशियोलॉजी से लेकर ज्योग्राफी से लेकर और फोक परफॉर्मिंग आर्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, भाषा, बोली, क्या सबका डॉक्यूमेंटेशन एक एकेडमिक संस्थान में मिल सकता है। हिमालय के बारे में फूल पत्ती से लेकर नदी झरनों तक, परंपरा से लेकर भाषा तक, लोक भाषा से लेकर लोक कला तक, क्या ये सब एक जगह मिल सकता है। ये हमारा विजन है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसकी नींव डालने का एक सुअवसर मिला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें बड़े वैज्ञानिकों के सहयोग से इस काम को आगे बढ़ा पाऊंगी। और दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक चेयर दी है, बहुत जल्दी हम उस चेयर को स्थापित करेंगे। पूरे विश्व की सबसे अच्छी फैकल्टी हमारे पास इस सेंस में है कि हमने बहुत बड़े वैज्ञानिकों को एज एन एडजंक्ट फैकल्टी अपनी यूनिवर्सिटी में जोड़ा है, तो वर्ल्ड रेनाउंड
फैकल्टी के माध्यम से हम टीचिंग कर पा रहे हैं। आगे भी ये सफर जारी रहेगा विश्वविद्यालय हित में और छात्रों के। परीक्षा का हमारा बहुत ही अच्छा टाइम से चलना, टाइम से रिजल्ट निकलना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और सबसे बढ़िया हमारा सेमेस्टर सिस्टम और CBCS सिस्टम यहाँ पे लागू है। माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में हम इस प्रकार के वातावरण बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और अग्रसर हैं, जिससे कि यहाँ पे टीचिंग लर्निंग और रिसर्च के लिए एक माकूल और वातावरण का निर्माण हो सके और विद्यार्थी यहाँ पर आकर के अध्ययन के प्रति उनकी लालसा और ललक प्रतिदिन बढ़ती रहे, इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। हम स्पोर्ट्स पे पूर्ण ध्यान दे रहे हैं। हमने AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़, जिसको हम नॉर्थ जोन भी कहते हैं, हमने उसमें प्रतिभाग करना शुरू किया। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, वुशू, ताइक्वांडो, ऐसी चीज़ों को भी प्रमोट किया। जो बच्चा स्टेट में अपनी प्रतिभा को लेके आया, उनको प्रतिभा करने का मौका दिया। और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स यहाँ से कर रही हूँ, और मैं जहाँ तक मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माय नेम इज़ शुभम नौटियाल, आई एम एन अलुमनाई ऑफ ड्यून यूनिवर्सिटी। आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2021 फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़, ड्यून यूनिवर्सिटी। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कैंपेन एसोसिएट फ्रेंच अमेज़न इंडिया। मेरा नाम मेधा अग्रवाल है, मैंने इसी वर्ष 2021 में दून यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करा है। बैचलर्स के दौरान ही मैंने IIT जैम और गेट अच्छी रैंक से क्वालिफाई करा। विश्वविद्यालय के विकास में यहाँ के एडजंक्ट प्रोफेसर्स की उपलब्धता, प्राध्यापकों के विशिष्ट अवार्ड, विभिन्न स्तरों पर हुए MOUs, ग्रीन कैंपस अवधारणा, साफ सफाई अभियान, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योजना जैसे सोमवार को नो व्हीकल इन कैंपस, वाईफाई से आच्छादित पूरा विश्वविद्यालय, कोविड काल के दौरान किए गए वेबिनार्स आदि, ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो विश्वविद्यालय को अलग तरह की धारा में खड़ा करती हैं। 21वीं सदी के लिए शैक्षणिक विकल्प को बदलती शैक्षिक, तकनीकी, पेशेवर और सामाजिक जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता हुआ यह विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर हम उन समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि डॉक्टर रोहिताश्वस्थाना की ये पंक्तियां सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत प्रेरणादायी जान पड़ती हैं। स्वप्न निर्मित मत हवाई घर बनो, हो सके तो नींव का पत्थर बनो, जो दिशा निर्देश सदियों तक करे, राजपथ पर मील का पत्थर बनो, जो बढ़ा दे चाल हर एक पांव की, एकता का वह अनोखा स्वर बनो, जो तिमिर के पंथ को दीपित करे, जो तीर्थ आरूढ़ वह दिनकर बनो। Thank you.